छल करके उनके राज्यों में भी जब उनको मुकाबला है, इसी में से आधा अधूरा कुछ न कुछ किया ही किया है हर किसी ने। यहां जो विरोध में दल है उनकी भी जहां सरकारें हैं वहां आधा अधूरा कुछ न कुछ तो किया ही है, क्योंकि उनको भी मालूम है रास्ते का रास्ता तो यही है। और मैंने देखा इस चर्चा में लॉ का जो स्पिरिट है उस पर किसी की चर्चा नहीं हुई है। शिकायत दिया गया तरीका ठीक नहीं था, जल्दी कर दिया, इसको नहीं पूछा, ये रहता है। वो तो परिवार में शादी होती है तो भी फूफी नाराज होकर के कहती है मुझे कहां बुलाया, वो तो रहता है। इतना बड़ा बड़ा परिवार है तो रहता ही है। हम कुछ और बातों की और भी ध्यान दें। अब देखिए दूध उत्पादन किसी बंधनों में बंधा हुआ नहीं है, न पशुपालक बंधनों में बंधा हुआ है, न दूध बंधनों में बंधा हुआ। लेकिन मजा देखिए, दूध के क्षेत्र में या तो प्राइवेट या कोऑपरेटिव, दोनों ने एक ऐसी बड़ी मजबूत चेन बनाई है, दोनों मिलकर के इस काम को कर रहे हैं और एक बेहतरीन सप्लाई चेन हमारे देश में बनी है। इसको हमने जो अच्छा है उसको, और ये मेरे काल में नहीं बना, आप भी इसका गर्व कर सकते हैं, मेरे काल से पहले बना हुआ है, हमें गर्व करना चाहिए। फल सब्जी से जुड़े व्यवसाय में ज्यादातर बाजारों का सीधा संपर्क रहता है, बाजारों की दखल हट गई है, इसका लाभ मिल रहा है। क्या डेयरी वाले सफल सब्जी खरीदने वाले उद्यमी पशुपालों के किसान, क्या जमीन पर कब्जा हो जाता है उनका, पशुपालन पर पशु पर कब्जा हो जाता है? नहीं होता, दूध बिकता है, पशु नहीं बिकता है जी। हमारे देश में डेयरी उद्योग का योगदान कृषि अर्थव्यवस्था के कुल मूल्य में 28% से भी ज्यादा है, यानी इतना बड़ा। हम एग्रीकल्चर की चर्चाएं करते हैं इस पहलू को हम भूल जाते हैं, 28% कंट्रीब्यूशन है और करीब करीब 8,00,000 करोड़ रुपयों का कारोबार है। जितने रुपये का दूध होता है उसका मूल्य अनाज और दाल दोनों मिला ले तो उससे ज्यादा है, हम कभी इस तरफ देखते ही नहीं है। पशुपालकों को पूरी आजादी, अनाज और दाल पैदा करने वाले छोटे और सीमांत किसानों को जैसे पशुपालक को आजादी मिली है, इनको आजादी क्यों नहीं मिलने चाहिए? और इन सवालों के जवाब हम ढूंढेंगे तो हम सही रास्ते पर चलेंगे। आदरणीय सभापति जी, ये बात सही है, जैसा हम लोगों की स्वभाव रहा है घर में भी थोड़ा सा भी परिवर्तन करना हो तो घर में भी एक तनाव जरूर, चेहरे यहां क्यों रखी, टेबल यहां क्यों रखा, घर में भी होता है। इतना बड़ा देश है और जिस प्रकार की परंपराओं से हम पले बढ़े हैं तो ये मैं स्वाभाविक मानता हूं, जब भी कोई नई चीज आती है तो थोड़ा बहुत रहता ही हमारे यहां, क्योंकि असामंजस्य की स्थिति भी रहती है। लेकिन जरा वो दिन याद कीजिए जब हरित क्रांति की बातें होती थी। हरित क्रांति के समय जो कृषि सुधार हुए तब भी जो आशंकाएं हुई, जो आंदोलन हुए, ये वेल डॉक्यूमेंटेड है और ये देखने जैसा है। कृषि सुधार के लिए सख्त फैसले लेने के उस दौर में शास्त्री जी का हाल यह था कि अपने साथियों में से कोई कृषि मंत्री बनने को तैयार नहीं होता था, क्योंकि लगता था कि ऐसा है हाथ जल जाएंगे और किसान नाराज हो जाएंगे तो मेरी तो राजनीति समाप्त हो जाएगी। ये शास्त्री जी के समय की घटनाएं हैं और अंत में शास्त्री जी को सी सुब्रमण्यम जी को कृषि मंत्री बनाना पड़ा था और उन्होंने रिफॉर्म्स की बातें की, योजना आयोग ने भी उसका विरोध किया था, मजा देखिए योजना आयोग ने भी विरोध किया था, वित्त मंत्रालय सहित पूरी कैबिनेट के अंदर भी विरोध का स्वर उठा था, लेकिन देश की भलाई के लिए शास्त्री जी आगे बढ़े और लेफ्ट पार्टी जो आज भाषा बोलते हैं ना वही उस समय बोलते थे, वो यही कहते हैं अमेरिका के इशारे पर शास्त्री जी ये कर रहे हैं, अमेरिका के इशारे पर
कांग्रेस ये कर रही है, सारा चीज जितना आज मेरे खाते में जमा है ना, वो पहले आपके यहां बैंक में अकाउंट में था, सब कुछ अमेरिका के एजेंट कह दिया जाता था हमारे नेता, कांग्रेस के नेताओं को, ये सब कुछ लेफ्ट वाले जो आज भाषा बोलते हैं वो उस समय भी उन्होंने यही भाषा बोली थी। कृषि सुधारों को छोटे किसानों को बर्बाद करने वाला बताया गया था। देश भर में हजारों प्रदर्शन आयोजित हुए थे, बड़ा मूवमेंट चला था। इसी माहौल में भी लाल बहादुर शास्त्री जी और उसके बाद की सरकार जो करती रही, उसी का परिणाम है कि जो हम कभी पीएल 480 मंगवा करके खाते थे, आज देश अपने किसान ने अपनी मिट्टी से पैदा की चीजें को खाता है। रिकॉर्ड उत्पादन के बावजूद भी हमारे कृषि क्षेत्र में समस्याएं हैं, कोई ये तो मना नहीं कर सकता है समस्याएं नहीं है, लेकिन समस्याओं का समाधान हम सबको मिलकर के करना होगा। और मैं मानता हूं कि अब समय ज्यादा इंतजार नहीं करेगा। हमारे रामगोपाल जी ने बहुत ही अच्छी बात कही कि उन्होंने कहा कि कोरोना लॉकडाउन में भी हमारे किसानों ने रिकॉर्ड उत्पादन किया, सरकार ने भी बीज खाद सारी चीजें कोरोना काल में भी पहुंचाने में कोई कमी नहीं होने दी, कोई संकट नहीं आने दिया, और उसका सामूहिक परिणाम मिला कि देश के पास यह भंडार भरा रहा। उपज की रिकॉर्ड खरीदी भी इस कोरोना काल में ही हुई। तो मैं समझता हूं कि हमने नए नए उपाय खोज करके आगे बढ़ना होगा। और जैसा मैंने कहा, कोई भी हम कई कानून है, हर कानून में 2 साल 5 साल के बाद, कभी 2 महीने 2-3 महीने के बाद सुधार करते ही करते हैं। हम कोई स्टैटिक अवस्था में जीने वाले लोग थोड़े हैं जी, जब अच्छे सुझाव आते हैं तो अच्छे सुधार भी आते हैं, और सरकार भी अच्छे सुझावों को, और सिर्फ हमारी नहीं हर सरकार ने अच्छे सुझावों को स्वीकार किया, यही तो लोकतंत्र की परंपरा है। और इसलिए अच्छा करने के लिए अच्छे सुझावों के साथ, अच्छे सुधारों की तैयारी के साथ हम सबको आगे बढ़ना चाहिए। मैं आप सबको निमंत्रण देता हूं, आइए हम देश को आगे ले जाने के लिए, कृषि क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करने के लिए आंदोलनकारियों को समझाते हुए हमने देश को आगे ले जाना होगा। हो सकता है कि शायद आज नहीं तो कल जो भी यहां होगा, किसी न किसी को यह काम करना ही पड़ेगा। आज मैंने किया है, गालियां मेरे खाते में जाने दो, लेकिन इस अच्छा करने में आप जुड़ जाओ, बुरा हो मेरे खाते में, अच्छा हो आपके खाते में, आओ मिलकर के चले। और मैं लगातार, हमारे कृषि मंत्री जी लगातार किसानों से बातचीत कर रहे हैं, लगातार मीटिंगें हो रही हैं, और अभी तक कोई तनाव पैदा नहीं हुआ है। एक दूसरे की बात को समझने का, समझाने का प्रयास चल रहा है, और हम लगातार आंदोलन से जुड़े लोगों से प्रार्थना करते हैं कि आप आंदोलन करना आपका हक है, लेकिन इस प्रकार से बुजुर्ग लोग वहां बैठे हैं ये ठीक नहीं है, आप उनको सबको ले जाइए, आप आंदोलन को खत्म कीजिए, आगे बढ़ने के लिए मिल बैठ करके चर्चा करेंगे, रास्ता खुले है, ये सब हमने कहा है। मैं आज भी इस सदन से माध्यम से भी निमंत्रण देता हूं। आदरणीय सभापति जी, ये बात निश्चित है, हमारी खेती को खुशहाल बनाने के लिए फैसले लेने का ये समय है, इस समय को हमने गंवा नहीं देना चाहिए। हमें आगे बढ़ना चाहिए, देश को पीछे नहीं ले जाना चाहिए। पक्ष हो विपक्ष हो, आंदोलनरत साथी हो, इन सुधारों को हमने मौका देना चाहिए, और एक बार देखना चाहिए कि इस परिवर्तन से हमें लाभ होता है कि नहीं होता है। कोई कमी हो तो उसको ठीक करेंगे, और कहीं ढिलाई है तो उसको कसेंगे। ऐसा तो है नहीं कि सब दरवाजे बंद कर दिए बस। और इसलिए मैं कहता हूं, मैं विश्वास दिलाता हूं कि मंडियां अधिक आधुनिक बने, अधिक प्रतिस्पर्धी होगी, इस बार बजट में भी उसके लिए हमने प्रावधान किया है।
इतना ही नहीं, एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा। इस सदन की पवित्रता समझे हम, जिन 80 करोड़ से अधिक लोगों को सस्ते में राशन दिया जाता है वो भी कंटिन्यू रहेगा। इसलिए मेहरबानी करके भ्रम फैलाने के काम में हम न जुड़े, क्योंकि हमको देश ने एक विशिष्ट जिम्मेवारी दी है, किसानों की आय बढ़ाने के जो दूसरे उपाय हैं उन पर भी हमें बल देने की जरूरत है। आबादी बढ़ रही है, परिवार के अंदर सदस्यों की संख्या बढ़ रही है, जमीन के टुकड़े छोटे होते जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में हमें कुछ न कुछ ऐसा करना ही होगा ताकि किसानी पर बोझ कम हो और हमारे किसान के परिवार के लोग भी रोजी रोटी कमाने के लिए उनके लिए हम और अवसर उपलब्ध करा सके। इनकी तकलीफों को दूर करने के लिए हमने काम करना होगा और मैं मानता हूं कि हम अगर देर कर देंगे, हम अगर अपने ही राजनीतिक समीकरणों में फंसे रहेंगे तो हम किसानों को अंधकार की तरफ धकेल देंगे। कृपा करके हमें उज्जवल किसानों के उज्जवल भविष्य के लिए इससे बचना चाहिए। मैं सबसे प्रार्थना करता हूं, हमें इस बात की चिंता करनी होगी। आदरणीय सभापति जी, डेयरी और पशुपालन हमारे कृषि क्षेत्र के साथ बढ़ावा देने की जरूरत है ताकि हमारा किसान पगभर हो। उसी प्रकार इसी काम के लिए हमने फूट एंड माउथ डिसीज के लिए एक बहुत बड़ा अभियान चलाया है ताकि वो किसान को या पशुपालक जो बाय एंड लार्ज किसानी से जुड़ा हुआ रहता है उसको भी लाभ होगा। हमने फिशरीज को भी एक अलग बल दिया, अलग मिनिस्ट्री बनाई और 20,000 करोड़ रुपये मत्स्य संपदा योजना के लिए लगाया है ताकि ये पूरे क्षेत्र को एक नया बल मिले। स्वीट रिवॉल्यूशन, भारत में बहुत संभावनाएं हैं और इसलिए भारत ने किसान उसके लिए बहुत जमीन की जरूरत नहीं, अपने ही खेत के कोने में वो कर दें तो भी साल में 40,000-50,000 लाख रुपए 2 लाख रुपए कमा लेगा वो। और इसलिए हम स्वीट रिवॉल्यूशन, शहद के लिए, हनी के लिए, उसी प्रकार से बी वैक्स, दुनिया में बी वैक्स की मांग है, भारत बी वैक्स एक्सपोर्ट कर सकता है, हमने उसके लिए एक माहौल बना। और किसान के खेत में ही, छोटे किसान होगा तो एक कोने में वो एक नई कमाई कर सकता है, हमने इसको जोड़ना होगा। और मधुमक्खी पालन के लिए कुछ सैकड़ों एकड़ जमीन की जरूरत नहीं है, वो आराम से अपने यहां कर